हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया सो येस सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्ज़ाम के लिए अब बहुत कम समय रह गया है सो आई एम ह्योर फॉर थर्टी वन डेज कॉन्क्रीट स्ट्रैटी इस स्ट्रैटी में आई विल बी टेलिंग यू इनकम्प्लीट डिटेल की सी डी एस में आपको क्या पढ़ना है क्या इग्नोर करना है हाउ टू गो अबाउट इट एंड आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्कोरिंग फोर्टी नाइन मार्क्स जिसको बहुत अच्छे मार्क्स कहा जाता है आउट ऑफ हंड्रेड इन द जी के पेपर हम यहाँ पर जी के पेपर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि आप खुद एनालाइज़ कर लेना इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा इफ यू आर अ रिपीटर आपको भी पता है कि जीके के पेपर में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ आती है स्पेशली सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने में इंग्लिश इज गुड मैथ्स इज आल्सो गुड बट जीके का पेपर 90 परसेंट स्टूडेंट से क्लियर नहीं हो पाता है और इस थर्टी वन डेज में ये थर्टी वन डेज आप मुझे दे दो एंड आई एश्योर यू आप इस दो घंटे का प्रिपरेशन प्रेपरे, प्लान के साथ यू कैन क्लियर द सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम एक गोल सेट बनाओ सेवन फिफ्थ को हमारा एग्जाम है है ना सेवन फिफ्थ को एग्जाम है नाउ आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आएगा सी डी एस जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है इज इट पॉसिबल टू कवर इन थर्टी वन डेज लेट्स सी कैसे हो सकता है देखो सब लोग रेकमेंड करेंगे कि यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत यू हैव टू गो अबाउट जी सी लिया बुक्स स्पैक्ट्रम एन सी आर टीज इकोनॉमिक्स की बुक्स बट प्लीज़ फॉर द गॉड सेक नो अभी ये हरकतें मत करो ठीक है ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं आई रिस्पेक्ट बाई हार्ट एकदम बाय द कॉर ऑफ माई हार्ट बट अभी नहीं फॉर सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्ज़ाम के लिए मत करो इन सबको पढ़ के थर्टी वन डेज में एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है तो आपको करना क्या है यू हैव टू रीड ओनली द फिल्टर्ड थिंग्स नाउ सिर्फ फिल्टर्ड थिंग्स पढ़ो लेट मी टेल यू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आई हैव क्लियर एग्जाम फोर टाइम्स इन अ रो एंड हंड्रेड टाइम्स ठीक है हंड्रेड प्लस स्कोर मेरा रहा है इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन शॉट ऑफ माई मार्क्स एज वेल एज अ प्रूफ ठीक है फोर टाइम्स मैंने एग्जाम को क्लियर किया है फ़ॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने इन सारी बुक्स को रीड किया था छाटा था देखा था कि एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है एंड फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द थर्ड टाइम एंड फॉर द फोर्थ टाइम मैंने इन बुक्स को छुआ तक नहीं है और मैंने सिर्फ अपने फिल्टर्ड थिंग्स अपने नोट्स और अपना जो मटीरियल बनाया हुआ था फर्स्ट टाइम की मेहनत से सिर्फ वही एग्ज़ाम में दिया है और डबल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दिया था एंड ट्रस्ट मी आई हैव स्कोर्ड हंड्रेड प्लस इन ओ ठीक है आई एम अ गर्ल कैंडिडेट मैं ओ के लिए एलिजिबल हूँ आई हैव स्कोर्ड हंड्रेड परसेंट हंड्रेड मार्क्स ठीक है वी हैव वॉट वी हैव प्लान थर्टी वन डेज फॉर यू इंक्लूडिंग डेली आवर्स ऑफ स्टडीज ठीक है डेली आवर्स ऑफ स्टडीज़ के साथ थर्टी वन डेज आई विल बी सेटिंग गुड टारगेट्स गुड गोल्स फॉर यू बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है मटेरियल हम सबके पास होगा बट पढ़ाई किस तरह से करनी है तो एक छोटा सा डेमो हो जाए एक छोटा सा हम झलक देख लेते हैं ओके आपको पता होगा कि पॉलिटी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जि जिसको पढ़ के हम बहुत हद तक नाइन्टी परसेंट सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं सिर्फ़ एक सब्जेक्ट को पढ़ के ठीक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं रिट्स के यहाँ पे हम दो रिट्स पढ़ के देख लेते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी होती है रिट्स एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लोगों को लगता है बट हम यहाँ पे बहुत आराम से पढ़ेंगे और इसी तरह हमें सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं देखो सबसे पहला रिट है हमारा हेबियस कॉपस ठीक है हैबियस कॉपस इसका मीनिंग क्या होता है ये कहाँ कहाँ पे इशू किया जाता है किस किस लोगों पे इशू किया जाता है ये हम बहुत आराम से पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे देखेंगे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो भी रहे हैं नहीं ठीक है ये बहुत छोटी सी झलक होगी तो आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू कि आप इसको समझोगे इसका मीनिंग क्या हैबिस कॉपिस का इसका लिटरल मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी बॉडी ठीक है ये की वर्ड्स को जानेंगे मैंने अपने जो वीडियोस हैं उसमें भी ऐसे पढ़ा रखा है और ये कहाँ पे इशू होगा टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बिन डिटेन अनलॉफुली जो भी अनलॉफुली डिटेनड पर्सन है उनको रिलीज़ करने के लिए ये रिट इशू होगा किन किन लोगों पे हो सकता है पब्लिक ऑफिशियल पे प्लस प्राइवेट पर्सन दोनों पे हो सकता है ठीक है एक एक चीज आप बहुत आराम से देखोगे यहाँ पे मैंडेमिस मेंडमिस का मतलब क्या होता है वी कमांड ये किस लिए होता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज बाय द लोअर कोर्ट ओके ये किस पे इशू होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक अथॉरिटीज़ पे जुडिशियल बॉडीज पे और कोसी पब्लिक बॉडीज पे ठीक है माइंड यू यहाँ पे हम सारी रिट्स कवर नहीं कर रहे हैं फिर भी क्वेश्चन का स्टाइल देख लेते हैं इस वीडियो से हमें पता चल रहा है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है किस तरह के क्वेश्चन सी डी एस एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो फ्रेशर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी मैच द नेम्स ऑफ रिट्स इन लिस्ट वन विद देयर मीनिंग्स अभी अभी हमने पढ़ा हैबीएस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कमाटेलनी वीडियो पॉज करो एंड देखो देखो हैबियस कॉपिस का मतलब यहाँ क्या है यू मे हैव द बॉडी इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी राइट तो वन का सी हो जाएगा तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे कि वन और टू तो आंसर नहीं हो सकता दैट मीन्स ए और बी तो आंसर नहीं हो सकता और हमने क्या पढ़ा मैंडमस मैंडमस का मतलब क्या होता है टेल मी क्या होता है मैंडमस का मतलब ओब्वियसली टू कमांड अभी अभी हमने पढ़ा टू कमांड या कमांड तो आंसर क्या हो जाएगा वन का सी टू का ए एंड हियर इज दी आंसर डी इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे नहीं होंगे यू पी एस सी तो क्या हो गया थर्टी वन डेज में वी हैव टू रीड ओनली द फिल्टर्ड मटीरियल अब यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्रॉसी जुडिशियल जुडिशियल एंड कॉस्ट जुडिशियल हमने कहाँ पढ़ा देखो हमने सेंट्योर नहीं पढ़ा हमने प्रोहिबिशन अभी नहीं पढ़ा हमने पढ़ा हैबियस कॉपस क्या उसमें जुडिशियल था क्वास्टी जुडिशियल था नो दमॉन् चेक क्विक वास्ट पब्लिक ऑफिशियल था और प्राइवेट पर्सन था तो इसमें हेबियस कॉपस तो आंसर नहीं होगा अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे देखो हमने पूरा पूरी कंप्लीट चीज़ पढ़ी भी नहीं है सिर्फ छोटा सा टॉपिक था रिट वो भी हमने नहीं पढ़ा स्टिल वी कैन आंसर दिस हम इसमें थ्री ऑप्शन जहाँ जहाँ हैं वो निकाल देंगे ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट दैट इज़ ओनली वन एंड टू आप चीज़ों को इतना फिल्टर करके पढ़ोगे पूरी लक्ष्मीकांत अभी ख़त्म करने जाओगे आपसे नहीं होगी आपको यही करना है नाउ वॉर यू हैव टू डू यू हैव टू सेट टारगेट्स फॉर यू ठीक है कैन यू जस्ट फॉलो इट मैंने सारे टारगेट्स आपके लिए सेट कर रखे हैं किस दिन आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना यू जस्ट हैव टू फॉलो इट और आई एश्योर यू कि आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती हूँ मैं आप पे ताकि उस प्रेशर में एग्जाम क्लियर हो सके ठीक है आपको अकाउंटेबिलिटी मुझे सबमिट करनी है कि मैम आज जितना पढ़ा आज जितना पढ़ा तो अगर आप मुझे अकाउंटेबिलिटी दोगे ना तो खुद पढ़ाई करोगे वट आई एम टॉकिंग अबाउट इस वी हैव लॉन्च दिस दिस पर्टिकुलर रिविजन सीरीज़ या इसको आप थर्टी वन डेज का क्रैश कोर्स भी मान सकते हो जिसमें मैं आपके लिए थर्टी वन फोल्डर्स लेके आऊँगी हर एक दिन का एक फर्स्ट जैन का एक सेकेंड जैन थर्ड जैन आपको सबमिशन रिपोर्ट देना है मुझे हर एक फोल्डर के वीडियो हर दिन आपको तीन वीडियोस मिलेंगी हर दो तीन दिन के बाद आपको जूम कॉल किया जाएगा और वहाँ पे आपकी अच्छे से खबर ली जाएगी ठीक है आपने होमवर्क किया या नहीं आपने नोट्स बनाए या नहीं और आपके कोई स्ट्रैटेजी वाइज डाउट्स होंगे वो भी आपको किए जाएंगे <laughs> आपके लिए रिविजन डेज भी हम डिसाइड करेंगे जिसमें आप वीकली और मंथली रिविज़न कर सको रिविज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई जितनी भी कर लो बट रिविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट आप डेमो वीडियोस अब भी जाके देख सकते हो राइट right नाउ ये डिफेंस मेनिया ऐप पे अवेलेबल है आप देखो गेट सेट गो वीडियोस में सारे वीडियोस अनलॉक्ड है गो एंड चेक इट आउट यहां पे जोग्राफी पॉलिटी एंड हिस्ट्री की इस तरह से सेकेंड जान जूम कॉल शेड्यूल्ड आपको जूम कॉल किया जाएगा दैट विल बी अ वीडियो कॉल ऑफ कोर्स फिथोर जैन फोर्थ जैन फिफ्थ जैन आपके लिए फोल्डर्स बनाए गए हैं आपके लिए टारगेट सेट किए गए हैं क्या आप फॉलो कर सकते हो उन सबको अगर फॉलो कर सकते हो तो आके देखो सिर्फ आपका सिलेबस इस अकाउंटेबिलिटी को सबमिट कर एट द एंड ऑफ द डे आपका मैसेज आना चाहिए कि येस मैम आई हैव कम्प्लीटेड माई गोल्स ठीक है एट द एंड ऑफ द डे आपको ये आना चाहिए वी विल ट्राई एंड प्रोवाइड असाइनमेंट्स टू यू हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसमें मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको पता तो चले कि आप पढ़ रहे हो आपको आता भी है या नहीं अल्टीमेटली हमारा एम है सेवन फेब को बिना किसी टेंशन के पेपर देना और एकदम फाड़ू तरीके से एग्जाम को क्लियर करके आना ठीक है ये हमारा प्लान है तो गो एंड चेक दिस कोर्स आउट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप एंड टेल मी हाउ डू यू फील एंड लाइक अबाउट दिस कॉर्स ठीक है तो हम इसी पे आज विराम लेते हैं आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक के लिए येस गो एंड चेक द कॉज आउट राइट नाव गुड बाय एंड जय हिंद